खुलासा अमेरिका से भी रहा है हनुमान जी का नाता, जानिए कैसे। चुनावों के माहौल में हनुमान जी को लेकर जुबानी जंग चल रही है, जिसके चलते जाति व धर्म को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। ऐसा लग रहा है नेता लोग मुद्दा छोड़ भगवान पर ही आकर अटक गए हैं। वहीं दूसरी ओर इस बात का दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में भगवान हनुमान जी के निशान मिले हैं। अमेरिका के प्रमुख खोजी थियोडोर ने मध्य अमेरिका के जंगलों से वापस लौटकर कहा कि जंगल में एक ऐसा गांव सा दिखता है जहां का देवता एक बंदर जैसा दिखने वाला इंसान था। थियोडोर की बात सुनकर सारे लोग चौंक गए। इसके बाद मामले को लेकर सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें पोस्ट की गई है, जो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। जानकारी के अनुसार इस जगह का नाम लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड है। इसे कई वैज्ञानिकों द्वारा वर्षों से लाक्यूडी आर्ट ब्लांका नाम की जगह को खोजा जा रहा था, लेकिन यहां की खोज को इस खोजकर्ता ने अलग ही मोड़ दे दिया है। यह जगह अमेरिका के वर्षा जंगलों में करीब 32,000 वर्ग मील में फैली एक जगह है, जिसका लोगों को पता नहीं है। बताया जाता है कि इस जगह को खोजने के लिए इस खोजकर्ता ने 5 महीने जंगल में बिताए। उन्होंने बताया कि वहां की दीवारें आम पत्थर से नहीं बल्कि सफेद संगमरमर से बनी हुई थी। इसी के चलते इस जगह को डिवाइड सिटी का नाम दिया है। मार्ग बताते हैं कि उस जगह को देखकर ऐसा लगा कि मानो यहां कभी कोई बड़ा साम्राज्य रहा होगा। उन्होंने बताया कि शहर के चारों ओर एक दीवार बनी हुई थी। उन्होंने जब लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहां पर पहले ऐसी प्रजाति राज करती थी जिनके देवता बंदर की तरह हुआ करते थे। वह न तो पूरी तरह से मानव था और न ही पूर्ण रूप से बंदर। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक बंदर की विशाल मूर्ति जमीन में दबी हुई है। इसके बाद उन्होंने इस देवता को हनुमान जी होना बताया है। हालांकि यह बात पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई है कि यह मूर्ति हनुमान जी की है।